पवित्रं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तीर्थंकर परमात्मा का दिव्य वैभव भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। 36 नंबर का श्लोक अपना प्रारंभ होगा। पूरे भक्तांबर स्तोत्र में जैसा कि शुरुआत में हम और आपने एक बात नकी की थी कि भक्तांबर के बारे में लोग क्या कहते हैं इस बात की मुख्यता नहीं रखना, भक्तांबर खुद क्या कहता है अपने बारे में हम उसकी मुख्यता कर रहे हैं। और अभी तक भक्तांबर ने साफ सुथरे शब्दों में इतना बताया है कि इस पूरे विश्व में वीतरागी जैसा देव नहीं हो सकता है, वीतरागी जैसा प्रभाववान कोई दिव्य महापुरुष दूसरा नहीं हो सकता है। कितने ही श्लोकों में तो आचार्य मानतुंग ने इस विश्वास के साथ बात करी कि इसमें क्या आश्चर्य है जो आपकी शरण में आते हैं वो भगवान बन जाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है कि आपका मन रंच मात्र ही विकारों की तरफ नहीं जाता है। अभी भी फिर से बात की थी को विस्मयोत्र, इसमें क्या आश्चर्य है कि आपके पास एक भी दुर्गुण नहीं आए, मतलब इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। ये बात वही कह सकता है जो भगवान से बहुत अच्छी तरह परिचित हो, बहुत अच्छी तरह, जैसे आप हमसे अच्छी तरह से परिचित हैं और कोई आपसे कहे यार वो हमारे घर पे आए थे उन्होंने रात को खाना नहीं खाया यार, तो आप क्या कहोगे इसमें क्या आश्चर्य, इसमें क्या आश्चर्य, हम वर्षों से उनको जानते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये दुर्गुण का ठेका तो दूसरों ने ले रखा है, दृष्टांत मान दिया है। मानतुंगा आचार्य को भगवान के प्रति ऐसा विश्वास, तो कितनी दफे तो इस भाषा में बात करते हैं और कितनी दफे प्रश्नात्मक भाषा में बात करते हैं। अभी अभी जो बात की है उन्होंने 35 नंबर के श्लोक में अंतिम अंतिम जो दिव्य ध्वनि नाम का प्रात्याहार की जो चर्चा की कि भाई स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को जो ढूंढना चाहते हैं उनके लिए दिव्य ध्वनि इष्ट है। सद्धर्म तत्व कथन एक पटु त्रिलोक का और तीनों लोक में सत्य धर्म का निरूपण करने वाली है। यह दिव्य ध्वनि विश्व के समस्त पदार्थों को जानने के लिए विशद है और अपनी अपनी भाषा में परिणमित होकर सबके लिए लाभदायी होती है। अब वो जो भगवान है समोसरण रचना हो गई, दिव्य ध्वनि खिल गई, तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना होता है, गमन होता है भगवान का। और तीर्थंकरों का जो गमन है वो अनिच्छा पूर्वक कहा गया है क्योंकि वहां मोह का सद्भाव नहीं, ऐसा विकल्प पूर्वक गमन नहीं होता है कि आपने इनविटेशन दिया कि चलो आप हमारे गांव में भी थोड़ी दिव्य ध्वनि हो जाए, भगवान का हाँ हाँ ठीक है हम आते हैं तुम्हारे गाँव में, ऐसा नहीं होता है। उनका वो जो विहार है वो बड़ा ही सहज होता है, सहज माने अति कई सहज होता है, उसमें इतने से भी विकल्प की अवकाश नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए भी चलो अब यहाँ तो 8 दिन हो गए प्रवचन करते करते अब ही चलते हैं, रंच मात्र भी नहीं, केवली भगवान का उठना बैठना विहार करना बड़ा सरल है, बड़ा सरल सहज सहज। कुमकुंड आचार्य ने तो जो दृष्टांत दिया है सहजता का वो ऐसा दृष्टांत दिया है जैसे लोक में स्त्रियों में मायाचार बड़ा सहज पाया जाता है, उतना सहज है दृष्टांत दिया है आचार्य ने, दिया है आचार्य ने दिया है, बड़ा सहज होता है, मतलब करना नहीं पड़ता है, तो इनबिल्ट जिसको बोलते हैं ना, अलग से नहीं है, घबराने नहीं है। स्त्री की अपेक्षा अपन तो सर्वत्र वेदों से समझते हैं ना, जिसको स्त्री वेद का उदय है उसके सहज पाई जाती है, जिसके पुरुष वेद का उदय है उतनी सहज नहीं पाई जाती है, नपुंसक वेद में और सहज पाई जाती है, कसायों के उत्तर तीव्रता है।
अब यहाँ केवल भगवान का विहार का दृश्य यहाँ कैसा होता है, जब वो तुम जो विहार करते हैं, 36 नंबर का श्लोक, ओ नेत्र है मनव पंकज पुंज कांति, ओ नेत्र है मनव पंकज पुंज कांति, परुल्ल सनख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, हे जिनेन्द्र, हे नाथ, उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति, नव पंकज माने नए नए कमल, नए नए फूल, नव पंकज अभी अभी उगे हैं माने अभी अभी खिले हैं, उनकी जो कांति होती है, चार दिन पुराना खिला हुआ पुष्प आप देखोगे तो उसकी कांति अलग, और तत्काल खिला हुआ कमल जो है उसकी कांति अलग, अभी अभी बिल्कुल खिले हैं, कैसा है, हेम, हेम माने होता है स्वर्ण, उन नेत्र माने उठते जा रहे हैं, अभी अभी नींद खुल गई है, उठ गए, प्रातः हो गई है, प्रातः होते ही अभी अभी खिले हों सोने जैसे कमल, ऐसी कांति कहाँ रहती है मालूम है, परयुल्लसन नख मयूख शिखा विराम, के आपके पैरों के जो नाखून हैं उनकी जो किरणें हैं और उनका जो अग्रभाग है, ऐसा एक पहले भी आया था मण मयूख शिखा विचित्र सिंहासन के विशेषण में, तो वहां फिर से पुनः विशेषण आया कि उससे बड़ा दैदिक्यमान वातावरण हो रहा है, माने विहार होगा तो आप खड़े हो गए, विहार होगा, अब विहार होगा तो विहार जो होगा होगा, अभी उस रूप देखते बनता है, वो नख का वर्णन महाकाव्य की शैली में अगर किया जाए तो नख सिख वर्णन होता है, नख सिख वर्णन माने नख से लेकर सिख तक, चोटी तक का वर्णन करना है, लेकिन यहाँ शिखा तक जाने की जरूरत ही नहीं, नख का ही वर्णन इतना दैदिप्यमान है, अब आप अंदाजा लगा लो बाकी का वर्णन हम क्या करें। फिर कहते हैं पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, हे जिनेन्द्र भगवान, आप जहां जहां भी अपने पैरों को रखते हैं, पादौ माने दोनों पैर, जहां रखते हैं पादौ माने दोनों पैर, माने पदानी माने पैर, वो दोनों पैरों को जहां जहां रखते हैं क्या होता है वहां, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ती, परिकल्पयन्ती माने रचना करते हैं, विबुधा माने अनेक प्रकार के, पद्मानि पद्मानि माने पुष्पों की, अनेक प्रकार के स्वर्ण कमलों की रचना वहां देवता लोग करते, माने जैसे जैसे भगवान का विहार होता है तो वहां स्वर्ण कमल रचते जाते हैं, वो देवो पुनीत है, देवों की समझो विक्रिया है, और बड़ा स्वाभाविक है ये, जिस सभा का मैनेजर सोहन इंद्र हो, सारा मैनेजमेंट वही तो दिखता है, तो वहां छोटी मोटी समस्याओं की तो बात ही नहीं है, समोसरण के जो और दूसरे वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, षट ऋतुओं के फल आते हैं, मनोरम दृश्य होता है, ना ज्यादा धूप लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी, दिन रात का भेद खत्म हो जाता है, जन्मजात बैरी जीव भी समोसरण में पहुंचकर अपने बैर भाव को भूल जाते हैं, ये कोई दिव्य प्रताप उनके हैं, जब वे भगवान विहार करते हैं
तो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है कि वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना होती जाती है। जैसे चांदधारी मुनराज अपने यहाँ विहार करते हैं, जब आकाश मार्ग से विहार होता है तो पग नहीं रखने पड़ते हैं, जब भूमि को स्पर्श करना पड़ता है तो पग रखने पड़ते हैं। जब आपको भूमि को स्पर्श नहीं करना है तो फिर आपको ऐसे ऐसे डग नहीं भरने पड़ेंगे, फिर वो आकाश मार्ग से जो विहार होगा वो युगल चरणों का युगपत विहार होता है। ओ नेत्र है मनव पंकज पुंज कांति पर्युल सन कमयुग शिखा विराम परिकल्पयंती, वहां वहां अनेक प्रकार के कमलों की रचना होती जाती है। जहां जहां चरण पड़ते हैं आपके, वहां वहां चरण रचना पुष्पों की हो जाती है। 37 नंबर का इत्थं यथा तव विभूतिर भूजिनेन्द्र इत्थं यथा तव विभूतिर भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृता माने इस प्रकार से, किस प्रकार से, एक नंबर के श्लोक से लेकर 36 नंबर के श्लोक तक जो कुछ भी कहा गया है उस सब को एक शब्द में कहना हो तो संस्कृत का वो शब्द है इत्थम। इत्थम माने इस प्रकार से, किस प्रकार से, फिर आप शुरू से लेकर 36 तक पढ़ो तो आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसा, क्योंकि हमने यहाँ अंतरंग गुणों की भी भगवान की चर्चा की और बहिरंग गुणों की भी खूब चर्चा की, उनके जैसे के मान शरीर की चर्चा की, करके नाखून की चर्चा की, उनके आसपास जो सामग्रियां हैं उनकी चर्चा की, उनकी वाणी की चर्चा की, सब चर्चाएं की लगभग लगभग जो तीर्थंकर परमात्मा की विशेषताएँ हो सकती हैं उनको बड़े ही ईमानदारी के साथ भगवान के सामने बताया। मैं पुनः आपको याद दिला दूँ, भक्ति करने का सर्वोत्कृष्ट तरीका यह है कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनके गुणों को उरेड उरेड के बोलना, भगवान आप में ये गुण है, भगवान आप में ये गुण है, भगवान आप में ये गुण है। क्या मतलब है कि इसके बिना आप भगवान से परिचित ही नहीं होंगे, आप नाम मात्र से परिचित हो सकते हैं कि कौन मेरे भगवान है, बोले आज ना मेरे भगवान है, ज्यादा बोले महावीर भगवान मेरे 24 भगवान है। यहाँ कह रहे हैं नाम से परिचित हैं क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे फिर उनका नाम बुद्ध हो, शंकर हो, विष्णु हो, महेश हो, समस्या नाम की नहीं है, समस्या किस चीज की है, काम की। वो गुण जिसमें पाए जाएंगे वो सब मेरे लिए पूज्य होंगे। यदि नाम मात्र पूज्य मानोगे तो फिर क्या मुश्किल होगी, पता है हमारे हिंदुस्तान में तो हर मोहल्ले में 2-3 महावीर रहते हैं, सबकी फोटोएं आपको अपने घर में लगानी पड़ेगी, इसमें लिखा है ना महावीर पूज्य हैं। अगर नाम मात्र से पूज्य करोगे ना किसी को, अपने भी अपने भक्तामर में लिखा ना कि नाम अलग है, ये नाम भी है, ये नाम भी है, ये नाम भी है, तो नाम पूज्य है ना, तो बोलो किस किस का फोटो लगाओगे आप। हमारे महाराष्ट्र में तो आदिनाथ भी मिल जाएंगे आपको,
मल्लेनाथ मिल जाएंगे, नाम से कीर्तन नेमिनाथ हमारे किनारे सीनियर थे एक साल, आदिनाथ हमारे यहाँ नागपुर मुक्षु मंडल के अध्यक्ष थे, अब डायरेक्ट भगवान ही है ना, बोले तो नाम की बात ही नहीं चल रही है यहाँ, यहाँ किसकी बात चल रही है, पूरे भक्तांबर स्तोत्र में 36 श्लोक बोल दिए भगवान की भक्ति में, एक जगह कहीं लिखा दिखा दो हमको आदिनाथ भगवान की ऋषभ देव का आज इतना संभावना, वो तो आपने आइडिया लगा लिया कि आदिनाथ भगवान की स्थिति है, मैं कह रहा हूँ ये संभावनाथ की है क्या नहीं, अजितनाथ की है, अभिनंदन नाथ की, सुमति नाथ की है, पलम प्रभु की है, चंदा प्रभु की है, किसकी नहीं है ये, सबकी। और जितने जितने भी आप नामों की बात करोगे तो उसके लिए बहुत बढ़िया श्लोक आया था, कौन सा नंबर कौन सा है उसका, उसके बाद तमेव 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 ये 25 नंबर का, 25 नंबर का जो बात श्लोक है बुद्धस्त्वमेव, हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, 1008 नाम का श्लोक बना सकते हो इस 25वें नंबर को पढ़ के, 2-3 नाम का श्लोक ये बनाया आपको, बुद्धस्त्वमेव द्विबुधार्चित बुद्धिबोधा, आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप नाम बोलो और हम ये जवाब देंगे त्वमेव 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 त्वमेव, और उसके अर्थ बताएंगे। तो उस प्रकृति से अब यहां पर एक शब्द प्रारंभ किया, 37 पर वापस आओ, इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, यथा तव विभूति ही भूजिनेन्द्रः, भूति ही अभूत जिनेन्द्रः, यथा तव विभूति ही अभूत जिनेन्द्रः, हे जिनेन्द्र भगवान इस प्रकार से आपकी जो अभूतपूर्व वैभव है, अभूतपूर्व आपकी जो विभूति है, उन पूरी विभूतियों में से मंतुंग आचार्य को जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो कौन सी विभूति है पता है, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, जैसा धर्मोपदेश की विधि आपकी है, जो स्टाइल आपका है धर्म के उपदेश देने का, न तथा परस्य, क्योंकि बाकी जगह तो मार मार के मुल्ला बनाते जबरदस्ती का, भगवान को पूजो भगवान को पूजो, भगवान ऐसा क्यों, भगवान से शंका नहीं करते भगवान के बारे में, भगवान से प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां हमको क्वेश्चन करने से मना किया गया, श्रद्धा रखो अपनी भरोसा रखो, कौन सी श्रद्धा, अंधी ब्लाइंड, आप पूछ नहीं सकते, मन में शंका मत लाओ, और यहाँ जो विधा है धर्मोपदेशन की, ये कहते हैं कि धर्म पालते पालते जगह 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 आपको पूरे रास्ते शंका हो, उससे अच्छा है पहले तुम निसंग हो जाओ, सम्यक दर्शन सबसे पहले कराया ना, और उसके 8 अंग सबसे पहले, तो पहले नंबर का अंग है निशंकित अंग, निशंकित के 2 अर्थ किए, निशंकित माने शंका रहित होना और निशंकित माने निर्भय होना, अगर आप निर्भय नहीं हुए तो निशंक नहीं हो सकते हैं, समय सार में तो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का जब वर्णन किया ना, तो वहां क्लियर कटे लिखा है सम्मा दृष्टि होती निर्भया, सम्मा दृष्टि निर्भय होते हैं, सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं, सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं, हर एक अंग में, मतलब इतना मुख्य है ये, कौन सा निर्भयपना, क्योंकि भय हो ही नहीं सकता है, भय कहां होता है, डर कहां लगता है, जहां संशय हो, जहां विपर्यय हो, जहां अनध्यवसाय हो, जहां सम्यक ज्ञान के उदय हो गया है, वहां भय का क्या काम है, डर कहां लगता है, झंडाऊ को शंका कहां होती है, जब कोई चोरी चपाटी की हो, निर्भय अगर नहीं हुए हो तो धर्म साधन हो ही नहीं सकता है, आप इतना इसको समझ लो, जैन दर्शन को यदि आपको फॉलो करना है तो डर और लोभ, भय और लोभ से जैन दर्शन का परिपालन नहीं हो सकता है, यद्यपि जैन दर्शन के प्रथमान योग में कहीं कहीं नवीन
जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने के हेतु से मोक्ष का लालच दे दिया होगा और नरक का भय दिखा दिया होगा, लेकिन असली धर्मात्मा किसी भी प्रकार के भय और किसी भी प्रकार के लोभ से धर्म साधन नहीं करते। और जो लोभ और भय से धर्म साधन करता है वो धर्म साधन थोड़ी है, उसको धर्म साधन कहते हैं? वो तो फिर वो धंधा चालू हो जाता है, फिर तो उसको कितने गहरे गड्ढे में जाके गिरेगा। वो कभी कभी आश्चर्य होता है, तीन लोक के नाथ जिनकी विभूति का वर्णन अपने 36 श्लोक में किया है, उन भगवान के सामने वो 100 ग्राम चांदी का छत्र लेकर पहुंच जाता है, भगवान मेरा काम करवा देना। मतलब वो 100 ग्राम में भगवान को खरीदना चाहता है, वो भी चांदी का। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और वो भी कैसे कहके, कई भी कितने होशियार हैं, यदि मेरा काम हुआ तो 100 ग्राम का छत्र चढ़ाऊंगा, यदि मेरा काम हुआ तो मैं द्वारा यहाँ वंदना करने आऊंगा, तेरी पूजा करने आऊंगा और तुझे 100 ग्राम का छत्र चढ़ाऊंगा। अब भगवान टेंशन में आ गए, भैया इसका काम नहीं करवाया तो 100 ग्राम का छत्र नहीं मिलेगा अपने, फिर 100 ग्राम की छत्र की वहाँ वैल्यू है? वहाँ तो छत्रत्रयम्, वहाँ तो कुंदाव दात चल चामर चार सोम, सोमेर पर्वत जैसा झरना झर रहा है आपके चौरों का। तो वहाँ इतने वैभव होने के बावजूद भी, मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई, योगानियोग से प्रधानमंत्री ने एक ऑफर दिया, हम जनता से मिलना चाहते हैं, जिसको जो मांगना है मांगो, हम आप उसका काम करवाएंगे। तो कई बहुत होशियार होते हैं, रिश्वत देने में पारंगत लोग, वो गए प्रधानमंत्री के साथ, मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा रिश्वत में, मेरी फैक्ट्री खोल। किससे क्या, किससे क्या? अब वो लोग प्रधानमंत्री के लिए वो 10,000 रुपये की क्या कीमत है? वो तीन लोग के नाम, वो 100-100 इंद्र उनकी जी हजूरी करते हैं, लाखों करोड़ों देवी देवता वहां समझो विनम्रता से खड़े रहते हैं, कहीं स्तोत्र चल रहा है, कितने ही जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं, कितने अणुव्रत ले रहे हैं, वो दिव्य वातावरण की क्या बात कहना। और वो हाथ वो अपनी वो चार चमनी लेके पहुंचता, बोले कि मेरा काम करवा दो, मैं ऐसा करवा दूंगा। मतलब ये बुद्धि का दिवालियापन है और कुछ नहीं। कहीं एक श्लोक में ये दावा नहीं किया अभी तक मानतुं आचार्य ने कि मुझे कोई लौकिक कामना है। वे तो कहते हैं तुल्या भवन्ति भवतो, मैं तो आपके जैसा होने आया हूं। वे तो कहते हैं को विस्मयोत्र, इसमें क्या आश्चर्य है, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई अद्भुत पना नहीं है कि जो भगवान के पास आता है वो भगवान जैसा बनने के रास्ते पर चलने लग जाता है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उसके जो श्लोक है ना 38वें नंबर से उसका कमाल चालू करेंगे अभी हम। अभी हम 37वें पे हैं, यहाँ तक की बात सुनो और समझो। इस प्रकरण का एक उपसंहारात्मक ये श्लोक है जिसमें कह रहे हैं, हे भगवान, इस प्रकार से समोसरण में आप जो विराजमान है, आपका दिव्य वैभव, उस समय जो धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेशन की विधा में आपके जैसा कोई नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, आपको कोई कभी कभी लगता है यार आपको अपनी प्रशंसा करनी है तो करो ना, साथ में एक वर्ड क्यों जोड़ देते हो, कौन सा, न तथा परस्य, पहले भी एक जगह कहा था नैवम तु कांच सकले किरणा कुले की, 2-3 बारे बार बार रिपीट कर रहे हैं नैवम, शुरू से चालू हो गए थे कहाँ से, 11वें नंबर के श्लोक से, जब उन्हें कहा था तावंत एव खलु ते पणिवः पृथिव्यां यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति, वहां से इनके समान कोई दूसरा रूप ही नहीं है, इनसे सुंदर, इससे दिव्य कोई दूसरा रूप नहीं है। अपन सुंदरता की व्याख्या कर चुके हैं, किन अर्थों में सुंदरता कहा जा रहा है, ये जिनको ये कहीं है विश्व में जिसको देख के क्रोध मान माया लोभ हासिरति अरति सो कुछ उत्पन्न नहीं होता है, इससे सुंदर रूप और क्या हो सकता है। दूसरा आत्मा है जिसको देखने से भी कोई क्रोध मान माया लोभ रूप पैदा नहीं होते हैं, इसलिए पूरे विश्व में 2 ही शरण है, शुद्धात्म और पंचम, या तो शुद्धात्मा शरण है क्योंकि उसके आश्रय लेने से आप विकार रहित अनुभव करते हैं, या पंच परमेश्वरी शरण है उनके आश्रय से आप विकार रहित अनुभव कर रहे हैं। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, आपके समो शरण में
आपकी वाणी खिलने की जो स्टाइल है, आपका धर्मोपदेश देने का जो तरीका है, अब इसका खूब व्याख्या की जा सकती है, उनके चार अनियोगों का रूप समझाया जा सकता है। पूरे विश्व में इकलौता जैन दर्शन है, बाकी कुछ कुछ सिद्धांत आपको दूसरे दूसरे दर्शनों में नाम मात्र के लिए कदाचित मिल जाएंगे, जैसे अहिंसा है, अन्य दर्शनों में भी नाम मात्र के लिए मिल जाएगी। सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये सब संतोष है, छोटे छोटे गुण हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन धर्मोपदेश तथा परस्य, कुछ कुछ सिद्धांत आपके ऐसे हैं जो इकलौते हैं, माने उसमें समझो बिना कहे कॉपीराइट हो गया, और वो है अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये किसी के पास नहीं, अनेकांत और स्यादवाद जो है वो आपके धर्मोपदेशन की अद्भुत विधि है, धर्मोपदेश का तरीका है, वो अपनी बात को कहने का, वस्तु के स्वरूप को समझाने का। दो है ना, अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत को समझना था पूरे विश्व को, लेकिन यदि उसके पास स्यादवाद नहीं है तो चाह के ही नहीं समझ पा रहा। समझना किसको था? अनेकांत को। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत वस्तु का लक्षण है, अनेकांतात्मक वस्तु है, और उस वस्तु को समझना है तो क्या उपाय है? स्यादवाद है तो समझ में आएगा, और स्यादवाद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मूर्खों के बलिहारी है कि जिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी ठीक से नहीं लिखते हैं। मुझे कहते हुए दुख होता है, कोई जानकार बैठा हो और इसकी पहुंच हो तो इस पर काम करना चाहिए। हिंदी की डिक्शनरी में स्यादवाद शब्द का अर्थ दिया है, स्यादवाद डैश जैनियों का एक मत। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मत है। कोमा संशयवाद, कोमा शायदवाद, माता कूट लिया क्या? हम कहां तक, कम से कम ठीक है। जैसे हमारे कहते हैं कि कितने ही शब्द जो होते हैं उनको अपन गलत उच्चारण करते हैं, जैसे बहुत से लोग गलत को गलत बोलते हैं कि गलत नहीं बोलना चाहिए, तो उनसे कहते हैं कम से कम गलत को गलत तो मत बोलो, बाकी चीजों को बोलना हो तो बोलो, गलत को तो गलत बोलो, वो गलत को भी गलत बोल देते हैं। तो ऐसा इसे कम से कम बाकी ठीक है जो है सो है। जो स्यादवाद का अर्थ जो है, किसी अपेक्षा से सापेक्ष कथन, स्यादवाद जिन दर्शन का सिद्धांत, आपको जो लिखना है लिखो, लेकिन उसका अर्थ संशयवाद और शायदवाद कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठता है उसमें, लेकिन हर एक डिक्शनरी में छपा हुआ है। चलो कभी कोई जागे तो अपन तो जगे जाओ। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, और कहीं आप बता दो हमको इस विधि से धर्मोपदेशन दिया गया हो, जहां स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, साथ भंगों से वस्तु को समझाया हो। है ही नहीं भाई साहब, ये हॉल अपने को नापना है और अपने पास कुछ नहीं है हाथ में, इंची टेप नहीं है, मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है हाथ में। बोलो आप कितने सालों में इसको बता दोगे, कितने नाप लोगे इसको, इसका मेजरमेंट लेना हो और अपने पास कुछ नहीं हो इंस्ट्रूमेंट, फिर आप ले सकते हो मेजरमेंट? अपने को बताना है कितना बड़ा हॉल है, आंसर देना है, बोलो बिना स्यादवाद की शरण में जाए आंसर दे सकते हो, जाना ही पड़ेगा। तो जो जो लोग वस्तु के स्वरूप को समझना चाहते हैं उनको स्यादवाद की शरण में आना ही पड़ेगा, कोई उसका अल्टरनेट नहीं। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, ये स्टाइल वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, इसलिए ये अद्भुत बना आ रहा है। उसके लिए फिर दृष्टांत दिया, यादृक् प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारम, जैसी प्रभा सूर्य के पास होती है अंधकार को नाश करने की, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासनोपी, वैसी प्रभा विकसित तारागणों के पास भी नहीं होती। मने जैसा प्रताप उदित होते हुए सूर्य के पास होता है ना, उदित होते हुए अभी पूरी से निकला नहीं, उदित होते हुए सूर्य के पास जैसा प्रभाव और प्रताप होता है, फुल विकसित तारागणों के समूह के पास भी वैसा प्रताप नहीं होता है।
एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं बता के गए नहीं बता के गए संजीव जी कितने तारे आसमान की ओर अपन नजर डालो तो ऐसे तारों का समूह दिखाई दे उनसे कितना प्रकाश होता है और अभी अभी सूर्य उदित हुआ हो कंपेयर करो उनका क्या तुलना है बोलो धर्मोपदेशन विधौ न तथा और हमको लगता है सब समान है सब समान है सब समान है कैसे करें केत की कनेरे एक कही जाए आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है कैसे हम ये कह सकते हैं केतकी के फूल को कनेर के फूल को दोनों ही हैं सफेद सफेद दिख रहे थे तो हमने क्या कहा दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं गाय का दूध और आग का दूध माने एक अकौवे का पेड़ होता है उस पेड़ के पत्ते को तोड़ो तो उसमें से दूध निकलता है और एक गाय का दूध है दोनों समान है बनाओ चाय बढ़िया दोनों एक ही जैसे तो मूर्खों के लिए एक जैसे हो सकते हैं समानता स्वप्न में भी नहीं है धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य आप मजाक में भी ये मत कह देना कि हाँ हाँ वो जैन धर्म भी और सब धर्म भी यहां एक ही जैसे हैं याद प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकार जैसा सूर्य अंधकार को नाश करता है क्या तारागणों का समूह मिलके भी वैसा नाश कर सकता है कैसे करें केत की कनेर एक कही जाए आक दूध गाय दूध अंतर घनेर रीरी होत पीरी पेना ऋषि करे कंचन की रीरी माने होता पीतल पीतल कैसी होती है पी रीरी होत पीरी पेना ऋषि करे कंचन की पीली होती है लेकिन सोने की होड़ थोड़ी कर सकती है सोने का भाव और पीतल का भाव कंपेयर कर सकते हो कोई तुलना हो सकती है दोनों तो पीले हैं सर दोनों तो पीले हैं बोलो कितना सभी धर्मों के प्रति साम्य भाव रखना चाहिए यह सामाजिक अवधारणा सबसे अच्छी है इससे अच्छी सामाजिक अवधारणा नहीं हो सकती है कि क्योंकि हम विभिन्न जाति के विभिन्न समुदाय के लोग हैं लेकिन सब धर्म एक जैसे हैं ये बेवकूफी भरा बयान है ये ना समझी वाला बयान है ये अज्ञानता वाला स्टेटमेंट है क्योंकि सब यदि एक ही होते तो कोई समस्या ही नहीं थी देवानंद स्तोत्र में ये बात की ही है सर्वेषां आप्तता नास्ति कश्चिते भवेत् गुरु सब आप्त नहीं हो सकते हैं कोई एक ही गुरु है क्यों क्योंकि सब आप तो होते तो आपस में झगड़ा नहीं करते जैसे हम पांच लोग यहां बैठे हैं और पांचों ये कहेंगे मैं भी सर्वज्ञ हूं मैं भी सर्वज्ञ हूं मैं भी सर्वज्ञ हूं मैं भी सर्वज्ञ हूं मैं भी पांच लोगों ने एक साथ कह दिया मैं सर्वज्ञ हूं और पांचों एक दूसरे के विरुद्ध कथन कर रहे हैं एक कह रहा है चींटी भी नहीं मारना एक कह रहा है सर्वराधो धर्म होगा और आप क्या कह रहे हो कि दोनों ही समान है सब क्या कर रहे हो कैसे करे केत की कनेर एक कही जाए आग दूध गाय दूध अंतर घनेर है रीरी होत पीरी पेना रीस करे कंचन की कहां कागवाणी कहां कोयली की ठेर है कहां कौवे की कहां कहां और कहां कोयल की अंतर ख्याल में आता है कि नहीं आता है धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य उसका अर्थ कर रहा हूं मैं अकेला कि जैसा धर्मोपदेश की आपकी स्टाइल है वैसा विश्व में कहीं दूसरी जगह तुलना भी नहीं कर सकते कंपेयर करें तो करें किससे 1920 1820 1520 तो करें 36 का आंकड़ा है एक राग का पोषण एक वितरागता का पोषण तुलना कैसे हो सकती है मुझे बताओ तराजू में बैठ ही नहीं सकते एक एक गुण एक एक लक्षण कैसे करें केत की कनेर एक कही जाए आप दूध गाय दूध अंतर घनेर है पीरी होत रीस पीरी होत रीरी पेना रीस करे कंचन की कहां
विचारों का, कहां तो सूर्य का वो प्रकाश और कहां जुगनू का, अगिया माने जुगनू, कहां भानुवारो कहां अगिया विचारो कहां पुनो को उजारो कहां मावस अंधेर है पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीके कर, पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीके कर, जैन वेन और वेन इतनो ही फेर है, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं है। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, बुद्धदास जी ने लिखा ही है, आगरा के रहने वाले थे, जैन शतक नाम से किताब छपी है, उसमें 100 छंद हैं ऐसे लगभग लगभग, उन सबका काम यही है कि आपको अपनी आस्था पर दृढ़ करना। यादक प्रवाह दिन कृतः प्रहतांधकारा तादत कृतो ग्रह गणस्य विकास रूपी, जैसा प्रकाश जैसा प्रताप उदित होते हुए सूर्य में होता है हे प्रभु, वैसा प्रकाश वैसा प्रताप तारागण सारे के सारे फुल विकसित हो जाएं तो अभी नहीं होता है। इत्थं यथा तव विभूतिर् भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य व्याघ्रं प्रभातिन कृतः प्रहतांधकारा तादृक् कृतो धर्मोपदेशन विधौ, जैसा आपका धर्मोपदेशन की स्टाइल है जिसमें आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जे भावे तीर्थंकर प्रकृति वंदाय ते पण एक है, ये स्टाइल आपको न तथा परस के एक एक मतलब समस्त श्रुत आपको तुरंत मोक्ष में ले जाके धर दे, और धर्म उसी को कहते हैं। रतनगंज साहब का आचार्य ने धर्म की परिभाषा यही बनाई है, जो आपको उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म, जो आपको और दुखी कर दे और बेचैन कर दे और आकुलित कर दे वो धर्म कैसा है, इसको धर्म कहा है कि जो आपको उत्तम सुख में धर दे, और ये धर्मोपदेशन है जो आपको उत्तम सुख में धर सकता है। यानी जितने भी जिनवाणी की विशेषताएं हैं वो सब इस पंक्ति पर गठित हो जाएंगी। 38 नंबर का चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल, चोतन मदाविल विलोल कपोल मूल, मत भ्रम भ्रमर नाद विवृद कोपम, मत भ्रम पराकाष्ठा है। ये भी एक कवि का कला पक्ष है कि वह कम शब्दों में विपरीत से विपरीत परिस्थिति उपस्थित करेंगे, यहां से अगले कई श्लोकों में विषम से विषम दशाएं, और यह दावा किया जाएगा कि जो आपके नाम स्मरण करता है जो आपका आश्रय लेता है उसके लिए ये विपरीत परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, और यह बड़ा नेचुरल है। यहाँ वो लिखना भूल गए को विस्मयोत्तर, ये बड़ा नेचुरल है क्योंकि जिसने आपका आश्रय ले लिया है उसको भय कैसा, और यदि उसको भय है मतलब आपका आश्रय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि अभय दान के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यदि कोई है तो वो तीर्थंकर परमात्मा। मैं तो उनकी एक ही विशेषता से बड़ा समझो आकर्षित हूं कि तीर्थंकर महावीर का पूरा जीवन काल छान मारा,
उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को नहीं डराया। आपको अगर किसी को पता हो तो याद दिलाओ मुझे, किसी को भी डराया हो, परेशान किया हो, धमकाया हो, किसी का भविष्य बता के कहा हो बेटा, आंशिक रूप से भी किसी को भयभीत किया हो, जिसको हम अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं बच्चों के, तो चींटी को भी नहीं डराते, मतलब उनसे तो चींटी को भी डर नहीं लगता है, निर्भय होकर विचरण करती है, पता है महावीर अगर निकलेंगे तो चारा जमीन देके निकल लेंगे। आश्चर्य तब होता है उनके अनुयायी संगी पंचेंद्रियों को डराते हैं, तुमको काल सर्प योग, तुमको फलाना है, तुम्हारा बुद्ध जो है शुक्र के घर में चला गया है, शनि वहां घूम रहा है, क्या तमाशा, आप तीर्थंकर के अनुयायी हो भाई साहब, जिस कुल में आप जन्मे हो वहां ये सब जो है सब पोटली बांध के फेंक दो, क्यों सर्वम सदैव नियतम भवति स्वर्गीय हो जाएगा, फिर अगर यही सब करने लग जाएंगे तो फिर 148 प्रकृतियां क्या करेंगी, क्या करें, दोनों ही कोई किसी को नहीं डराया, दूसरा वे किसी से डरे भी नहीं, पढ़ लो, शेर से, हाथी से, घोड़े से, मनुष्यों से, किसी से भी ना डरे ना डराया। इट मींस ये जो दर्शन है डरने डराने वाला दर्शन है ही नहीं, यदि आप डर रहे हैं तो आप दर्शन के रहस्य से वंचित हैं, और यदि आप डरा रहे हैं तो भी दर्शन के रहस्य से वंचित हैं। डरने डराने का काम जो करे वो समझ लेना ये जिन मत से बाहर का आदमी है, इसको कुछ भ्रम हो गया है, दर्शन में क्या डरना और क्या डराना, निर्भय भाव का मूल सूत्र यहाँ से चालू होता है और उसके प्रमाण ये श्लोक है। मैंने मानतुंगा आचार्य जो है मुझे उनमें असली भक्त नजर आता है भगवान का, कि उनकी निर्भयता किस स्तर की मालूम है, आप सुनो मतलब वो किस लेवल के निडर है वो व्यक्ति, हर कोई में इतनी निडरता नहीं होती है, उसके लिए विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, तत्वों का कितना श्रद्धान चाहिए। मानतुंगे आचार्य की निडरता के नमूने आपको इस 38 नंबर के श्लोक में देखो, वो बात कर रहे हैं उस हाथी की, किसकी, जिस हाथी के चोतन मद अविल विलोल कपोल मूल, कपोल मूल माने कनपटी के आसपास में जिसके मद निरंतर झर रहा है, लगातार मद झर रहा है, मतलब जब आपने सुना होगा जब हाथी के पागलपन की स्थिति जब पैदा होती है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहता है हाथी, उसके यहां से मद झरता है, इतना ही नहीं है, उस मद के झरने के कारण से उसकी जो सुगंध है, उसकी जो गंध है, उसको सूंघ के भौरों के झुंड वहां आ गए हैं, और वो उसके कान के आसपास गूं कर रहे हैं, तो मतलब पहले से वो टेंशन में था और भौरे आके उसको और डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब उसके पागलपन को और बढ़ा रहे हैं, लिखा ना मत्ता, पहले ही मत्ता, भ्रमद भ्रमर नाद द्रविद कोपम, वो जो भंवरे हैं अपना गुंजायमान करके उसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं लगातार। कौन से हाथी के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी पागल हो चुका है, जिसके कनपटियों से मद झर रहा है, विलोल कपोल मूल, ऐरावता, ऐरावत के समान जिसकी आभा है, ऐरावताब, ऐरावत के समान जिसकी आभा वाला है या ऐरावत जैसा विशाल हाथी है, मुद्दत मां पतंतम, वो हमारे सामने भी आके खड़ा हो जाए तो भी दृष्ट्वा देख करके भयम भवती नो भवताश्रितानां, जो आपके आश्रित हैं उनको भय नहीं होता है। क्या अर्थ है इसका, श्लोक का, पूरे श्लोक का, ऊपर की जो तीन लाइनें हैं उसमें तो हाथी की विशेषता बताई है, स्पेशल की, कौन सा हाथी, जिस हाथी के चोतन मद अविल कपोल मूल, कनपटियों के आसपास लगातार मद झर रहा है, उतना ही नहीं वो झरते हुए मद के ऊपर भमरे गुंजायमान कर रहे हैं, जिससे उसका क्रोध और बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ा हुआ क्रोध का विकराल हाथी ऐसे सामने से आ रहा है, मानो ऐरावत आ गया हो, मानो काल आ गया हो, बस ऐसे हाथी को देख करके भी जो जन आपके आश्रित हैं
उनको भय पैदा नहीं होता है। अब वो इम्पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, पॉसिबल क्या है, वस्तु का स्वरूप है, यथार्थ है, क्योंकि जिसने आपका शरण लिया है वो दिखाने के लिए शरण नहीं लिया है कि भगवान के सामने यूं बैठ के यूं मुंह करके फोटो खिंचाई और हमने तीर्थ वंदना की। आपका शरण लिया है माने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपकी वाणी को उसने सुना है और वस्तु स्वरूप को उसने समझा है, सत्य तत्व का श्रद्धान उसको हुआ है, आत्मा के अजर अमृत का भान उसे हो गया है। भगवान महावीर के साथ भी टाइम पास किया था ना देवों ने, सांप बन के आ गए थे, हाथी आ गया था, तो क्या हुआ था, भयभीत हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों भयभीत होना? देखो ये तो क्या है, लोक में लौकिक न्याय में भी किसी को बलशाली बनाना हो, बताना हो, तो उसका क्या इलाज है? दो तीन चीजें हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है, एक हाथी से, एक सांप से और एक शेर से। जो इन तीनों पे काबू पाले उसका बल हमको ऐसा लगता हाँ ये इसमें दम। जो हाथियों को उठा के पकड़ते हुए, शेर को भगा दे हुए, सांप को पकड़ ले हुए, तो वो सारी विशेषताएं महापुरुषों की। लेकिन ये जो महावीर हैं उस टाइप के योद्धा नहीं है, ये जो हैं ये तो सम्मोहन वाले हैं। इनकी मुद्रा इतनी शांत है, इतनी शांत है, इतनी शांत है कि अति क्रोधित हाथी भी समक्ष आते शांत हो जाता है। जंगल में मुनिराज आहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप शांत चरणों में पशु भी बैर भुलावे। मुद्रा ऐसी मृगगण उपल खाज खुजावते, छेड़ाला की पंक्ति है ये, कि वो मृगों का समूह मुनराज जब ध्यान करते हैं तो अपनी पीठ खुजा के चले जाते हैं और वो ध्यान करते रहते हैं। नहीं किसी को भय जिनसे, जिनको भी भय न किसी से, दोनों तरफ से न डरते हैं और न डराते। इन शॉर्ट सारा ग्रहित क्या तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अंधविश्वास खड़ा है वो सिर्फ डरने डराने का है। आप डरना बंद कर दो लोग आपको डराना बंद कर देंगे, बिल्कुल चिड़ने चिड़ाने जैसा मार गई। छोटे छोटे बच्चे आपके पास आते हैं ना कि वो हमको चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप क्या कहते हो कि आप चिढ़ो मत, आप जितना चिढ़ोगे सामने वाले को नस पता चल जाती है, मैंने थोड़ा डराया तो हम समझते हैं आप डरते हो, फिर वो देखता है अच्छा आप ऐसे नहीं डरते हो, क्योंकि अपने लिए आप उतने सेंसिटिव नहीं हो, तो आपकी फैमिली के नाम से डराएगा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके परिवार को कुछ हो सकता है, फिर आपके व्यापार के नाम से डराएगा, आपके करियर के नाम से डराएगा। जहां जहां आपका अनुराग उपस्थित होगा वहां वहां धावे बोलेगा, और जहां आप स्लिप हुए वहीं आपको एक लंबी लिस्ट पकड़ा देगा, ऐसा 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 कर लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, फिर जिंदगी भर चक्की पीसते रहना, निकलेगा कुछ नहीं। यहां कह रहे हैं ये देखना, ये श्लोक अगर ईमानदारी से पढ़ लिए ना, जब आपको ऐसा हाथी नहीं डरा पाएगा तो फिर मनुष्य गति का तो कोई आदमी नहीं डरा सकता, वो कितना ही बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, कैसे डरोगे आप? ये कह रहे हैं जो जो तन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमत भ्रमर नाग विरद कोपम भय होता है भवदाश्रिता नाम आपके आश्रितों को।
दृष्ट्वा देख करके भी, क्या देख करके भी, ऐसा विकराल हाथी देख करके भी आपके भक्तों को भय नहीं होता है। 39 नंबर, भिन्नेव कुंभगल दुज्वल शोणितात, लेकिन शेर सामने आ जाए तो, और कौन सा शेर, भिन्नेव कुंभ गल गलत उज्ज्वल सोणी तात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, माने ऐसा शेर जिसने हाथी का माथा फाड़ दिया है और उसमें से जो गजमोती जो होते ना वो निकल निकल के रक्त चारों तरफ बह रहा है और पूरी धरती ही उन गज मोतियों से पट गई है। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, भूमि भागा माने पृथ्वी के समस्त भागों में वो गज मोती बिखरे पड़े हैं। माने जब हाथी आक्रामक हुआ और उसने हाथी नहीं सॉरी शेर आक्रामक हुआ तो उसने हाथी का सर फाड़ दिया। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणी ताकता, भिन्नेव भिन्न कर दिया उसने गंडस्थल हाथियों का जिससे रक्त और गजमोती चारों तरफ बिखर गए हैं। ऐसा शेर बद्ध क्रम तैयार हो गया हो काय के लिए, आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए, बद्ध क्रम क्रम गतम अपने पंजों को बिल्कुल कसके जमीन पर गाड़ दिए हो, तो बस छलांग लगाने से पहले जो प्रिपरेशन होता है ना उसका चित्रण है ये। हरिणाधिपोपी हरिण अधिपति भी, हरिण अधिपति कौन है, हरिण माने मृगी और अधिपति माने यही है जो कुछ है शेर। ऐसा शेर कैसा जिसने हाथी के गंडस्थल को फाड़कर पूरी धरती पर मुक्ता फल की तरह समझो वो बिछा दिए हैं और खुद बिल्कुल बद्धक्रम तैयार हो गया है, क्रमगतम अपने पंजों को बीच में लेकर एकदम और आक्रमण करने ही वाला है, वो कहते हैं ना आक्रमति क्रमयुगा चल संस्रतम दे, वह उन भक्तों पर आक्रमण नहीं करेगा जिसने आपका आश्रय लिया है। आपके चरण कमलों का आश्रय जिसने ले लिया है ना आक्रामती वह आक्रमण नहीं करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दृश्य ऐसा हो गया जैसे एक खूंखार दो बच्चे हो ना लड़ाई हो जाए आपस में और दूसरा एक आध एकदम खूंखार बच्चा हो और हाथ में पत्थर वत्थर उठा लिया हो उसने और पत्थर उठा के बस सर पर देने ही वाला था दूसरे बच्चे के जो भाग रहा था, इतने में उस बच्चे का पिता आके खड़ा हो गया तो वो जो पत्थर है ना वो आप सीन दृश्य समझ गए ना क्या है, बड़ी ताकत से उसने उठाया और दे मारने के लिए उठाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्रूरता के परिणामों के साथ में उठाया, लेकिन वो बच्चे तो 3-3 फिट के थे ना, वो 6 फिट का पिता आके बस खड़ा हो गया, वो बस यूं खड़ा है बस कुछ नहीं वो देख रहा है, तो वो पत्थर वहीं की वहां रह गया कि नहीं रह गया। तो ऐसे ही शेर का वर्णन यहाँ चल रहा है कि ऐसा खतरनाक शेर भी जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, अंतिम पंक्ति क्रम युगा चल संस्तंते, आपके युगल चरणों का जिसने आश्रय लिया है ना आक्रामती, ऐसा शेर भी उसके ऊपर आक्रमण
निर्भयता के लिए वो आपको ये पता है, इन श्लोकों का प्राकृत रूप आपको देखना हो ना तो आपको निर्जरा अधिकार में मिलेगा। अचिंत्य शक्ति के बाग वाली गाथाओं में जब आपने ये कहा था छिद जाए वा मिल जाए वा अथवा कोई ले जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, जो अभी अभी गाड़ी ली है ना वो उसका कचूमर निकल जाए तो भी उसको रंच मात्र भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब पदार्थ एक तरफ और ये अचिंत शक्ति वाला चैतन्य तत्व एक तरफ। तो जिनेंद्र परमात्मा की शरण में जो आए हुए हैं जगत के लोग जिनको भय 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 बोलते हैं इसको भय भय हुए ना क्रामति क्रम युगाचल संतम ते, वह आक्रमण नहीं करता है जो आपके चरण कमलों की शरण में मेरे पापा के पास खड़े हो जाके। फिर वो जितने भी आक्रमण करने वाले थे मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोग, दूसरा इसका रूपक, एक तो मैंने ये व्यवहारिक रूपक, दूसरा इसका रूपक ये है, श्लोक है संस्कृत में और आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर के हाथी फाती छोड़ो, कभी कभी हमारा क्रोध हमारा काम हमारा लोभ इन जानवरों से कम खतरनाक नहीं होता है। एक टीका मुझे मिली उसमें ये व्याख्या है, मतलब अब आप ऐसे कल्पना करो ये जो शेर है ना ये मेरा क्रोध है, खुद का क्रोध, खुद की आत्मा में पैदा हुआ क्रोध, वो क्रोध कितना खतरनाक हो सकता है, जो जो लक्षण इस शेर के हैं मतलब पूरी दुनिया का तहस नहस कर देना चाहता है, क्योंकि अभी अभी अपने गाड़ी ली है, एक दूसरा आदमी गाड़ी आया बिल्कुल खटारा थी उसकी चिपका के यूं खचर करके चला गया और भाग गया, अब यूं हो रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट पर पैर दबाऊं और इसको बिल्कुल, मतलब क्रोध की पराकाष्ठा है ये श्लोक। और ये कहते हैं ऐसा पराकाष्ठा वाला क्रोध भी यदि चित्त में हो और आप जिनेंद्र भगवान की शरण में पहुंच जाए तो ये क्रोध ऐसा बम जो फटे तो तीन लोगों को भस्म कर दे लेकिन वो पानी में गिर जाए तो फुसकी बम बन जाता है। मतलब इस इन श्लोकों में इतना है, मतलब आप एक बार ईमानदारी से एक तो सीधा सीधा अर्थ किया कि भाई जो आत्मा को समझते हैं वस्तु के स्वरूप को समझते हैं वो निर्भय रहते हैं, दूसरा ये है कि भाई त्रेंचों का जानवरों का हाथी है काम के लिए प्रसिद्ध है, वो फंसते भी हैं तो काम के चक्कर में फंसते हैं, काम कसाई के चक्कर में फंसते हैं, हाथी फंसाने वाले भी क्या करते हैं गड्ढा खोद देते हैं ऊपर से घास बिछा देते हैं ऐसा प्लेन जमीन लगे सामने एक हथिनी को बांध देते हैं, वो हाथी घूम घाम के आता है और गड्ढे में गिर जाता है उसको फांस के, मतलब काम की तीव्रता है जिसको, अब अपनी बात करो हमारे अंदर भी वो काम की तीव्रता है, किसी काम में मन नहीं लगता है जिस वजह से, तो कहते हैं आप जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाओ वो काम खत्म, मतलब सारे मनोविकारों को जीतना हो तो उसका उपाय क्या है जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आना। तो ये जितने खतरनाक खतरनाक दृश्य दिए गए हैं बाहर से मानो तो बाहर से अंदर से मानो तो ये सब रूपक हैं, क्योंकि साहित्य की जो भाषा होती है वो लक्षणा होती है वो व्यंजना होती है, वो कहेंगे कुछ और माना कुछ जाएगा, मतलब इसको क्या कहना चाहिए पूरे साहित्य का ऐसे ही नियम है कि रूपकों से बात करते हैं स्टाइल तरीकों से बात करते हैं, जैसे मेरी भावना में बात की था कि आप कौन से भगवान हैं तो ये नहीं बताया कि आदनाथ के महावीर हैं, कहाँ से शुरू किया जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया। मैं बता दी उसने क्या पूछा था तुम कौन से भगवान को मानते हो और जवाब क्या दिया, तो ये तो घुमा के बात करने की आदत है, तो यहाँ जो बात चल रही है कि वो उतना हाथी जैसा विकराल काम शेर जैसा विकराल क्रोध खुद का और वो नष्ट करना हो यानी उससे अगर बचना हो उसके आक्रमण से बचना हो तीव्रतम क्रोध आ रहा हो और पंच परमेष्ठी याद आ जाए तो क्रोध आक्रमण नहीं करता है। पढ़िए इसको
भिन्नेव कुंभ गल उज्ज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणादि कोपी नात्रामती क्रम युगाचल संस्कृतम ते 40 नंबर कल्पांत काल पवनोदत वन्निकल्पम् कल्पांत काल पवनोदत वन्निकल्पम् दावानलं ज्वलित मोज्ज्वल मुक्तिलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम् तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम् अब वर्णन चल रहा है किसका? चार लाइनें पढ़ने से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना? अग्नि का। कौन सी अग्नि? ऐसी भयानक अग्नि विश्वम जिगत सुमिव पूरे विश्व को निगल जाएगी, अभी पूरे विश्व को खा जाएगी, ऐसी भयानक अग्नि है। और वो कब होती है पता है? कल्पांत काल पवनोदत वन्निकल्पम। कल्पांत काल में जो तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि आग का यही नियम है, अगर लग जाए या तो लगती रहती है, आपको अच्छे से अनुभूत है इस विषय के लिए, आग एक बार लग जाए और हवाएं चलने लग जाएं, तो जिस स्पीड से आग बढ़ती है ऐसा लगता है बस सब खत्म होने वाला है। लावानलम कैसी है वह? ज्वलत मुज्ज्वल मुत्फिलिंगम, और जगह जगह से वो चिंगारियां निकल रही हैं। मैंने इतनी जगह में आग लगी थी, फिर फक से एक चिंगारी निकली तो यहाँ भी आग लगने लगी, फिर एक चिंगारी यहाँ निकली तो वहाँ भी आग लगने लगी, फिर वहाँ निकली तो वहाँ, ऐसा लग रहा है मानो विश्वम जिगत सुमिव, मानो यह आग विश्व को निगल जाएगी। ऐसी आग भी सम्मुख आपतंतम सामने आ जाए तो क्या होता है? तत् नाम कीर्तन जलम शमयंत शेषम, आपका नाम कीर्तन करना, उससे वो क्या कहना चाहिए, नाम स्मरण रूप कीर्तन रूपी जल से संपूर्ण आग शांत हो जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर काम कसाई लिया, हाथी का रूप, शेर जो है वो क्रोध कसाई ले लिया, ये लोभ कसाई कि एक एक जीव का लोभ ऐसा है जो पूरे विश्व को निगल जाना चाहिए, सारे विश्व की संपदा मेरे पास आ जाओ, सब चपरासी को नहीं घूमे। आत्म अनुशासन में है कि नहीं है? आशा करता है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमं कस्य किं कियदा याति वृथा वो विशेषता। एक एक जीव की आशा रूपी गड्ढा, और उस पर तो जितना बोलो उतना कम है। पूरा आत्मानुशासन सिर्फ इच्छा नाम के शब्द पे लिखा गया, पूरा आत्मानुशासन गुरु भद्राचार्य का है, वो टोडम जी ने टीका की है, चुन-चुन के ग्रंथों पर टीका की, चुन-चुन के प्रशासित भी उपाय, आत्मानुशासन या तो एकदम सरल पकड़े या फिर एकदम कठिन पकड़े, लब्धि सार छपड़ा सार, उन्हें बीच में हाथ नहीं लगाए। आत्मानुशासन सबसे सरल, सरल माने उसका विषय जो है समझने समझाने की दृष्टि से जो विषय सरल होते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करने की दृष्टि से ये विषय बहुत कठिन होते हैं। समझने समझाने में सरल है, क्रोध समझने सुपरिचित है, लेकिन इसको नष्ट कर पाना उतना सरल नहीं है जितना समझना। ऐसे लोभ का जो रूपक है वो कैसा है, उसकी तुलना आग से की है। एक बार जंगल में आग लग जाए तो आग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ जाती है, जिसको युवाजी साहब ने ऐसा कर लिखा है, सोचा करता था भोगों से बुझ जावे की इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानव पावक में गिराला। उत्कुंठा हो रहा है,
तो वो आग की तरह है ये लोभ कषाय कि एक बार पैदा हुई और हमने उसकी थोड़ी इच्छाएं पूरी कर दी थी, थोड़ी और कर दी थी, थोड़ी इतनी 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 इतनी, तो लोभ कषाय कितनी बढ़ती जा रही ऐसी बढ़ती जा रही है, मानो पूरा विश्व जितनी ज्यादा लोभ कषाय ना उतनी ज्यादा आकुलता। जैसे आप क्या बात कर रहे थे, फोन टॉप पे टॉप टॉप पे, अब और कहां ऊपर जाएगा भाई, लौकिक में जितनी उसकी योग्यता है, अब क्या करे, अब क्या करे, वो लोभ नहीं मानता है। और इस भाव खाने लायक है तेरे पास, हाँ इस भाव के खाने लायक है, इतना है कि मेरे बच्चे भी आराम से खाते रहेंगे, हाँ खाते रहेंगे, तो फिर और ऊपर कितना जाना है। लेकिन उतना हिसाब किताब कौन लगाए, और जो लोभ है वो ये कहता है कि पूरे विश्व की संपदा मेरे पास आ जाए। ऐसा भयानक लोभ रूपी अग्नि आपका नाम स्मरण करते ही शांत हो जाती है। इधर आपका नाम लिया कि वो लोभ भाग जाता है। तो ऐसे एक एक श्लोक में कषायों से निष्कषायता की ओर है, भय से निर्भयता की ओर है। इसमें 41 नंबर के श्लोक पर फिर सर्प की चर्चा है, फिर आगे और भी ये महत्वपूर्ण श्लोक है इस पूरे भक्तांबर के। हालांकि श्लोकों का दुरुपयोग भी चालू हो गया है, वो मैं बताऊंगा कल के प्रवक्ता समापन समारोह में, भक्तांबर श्लोक का कल अपन उसकी डिस्कशन चर्चा करेंगे, इनकी प्रयोग क्या है, लोग इनका क्या प्रयोग करते हैं और अपन उसका उचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है।